बेल आईकन लेटेस्ट अपडेट माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नमो बुद्धाय इस पवित्र मंगल कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी कैबिनेट में मेरे सहयोगी श्री जी किशन रेड्डी जी किरण रिज्जू जी ज्योतिरादित्य सिद्धिया जी श्रीलंका से कृष्णनगर पधारे श्री श्रीलंका सरकार में कैबिनेट मंत्री श्रीमान नमर राजपक्षा जी श्रीलंका से आए अति पूजनीय हमारे अन्य अतिथिगण म्यांमार वियतनाम कंबोडिया थाईलैंड लाओ पीडीआर, भूटान और दक्षिण कोरिया के भारत में एक्सलेंसी एम्बेसडर्स श्रीलंका मंगोलिया जापान सिंगापुर नेपाल और अन्य देशों के वरिष्ठ राजनयिक सभी सम्मानित भिक्षुगण और भगवान बुद्ध के सभी अनुयायी साथियों अश्विन महीने की पूर्णिमा का ये पवित्र दिन कुशीनगर की पवित्र भूमि और अपने शरीर अंशों रैलिस के रूप में भगवान बुद्ध की साक्षात उपस्थिति भगवान बुद्ध की कृपा से आज के दिन कई अलौकिक संगत कई अलौकिक संयोग एक साथ प्रकट हो रहे हैं अभी यहां आने से पहले मुझे कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लोकार्पण का सौभाग्य मिला है कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए पूरी दुनिया से करोड़ों बुद्ध अनुयायियों को यहां आने का अवसर मिलेगा उनकी यात्रा आसान होगी इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर श्रीलंका से पहुंची पहली फ्लाइट से अति पूजनीय महासंघ सम्मानित भिक्षुओं और साथियों ने कुशीनगर में पदार्पण किया है आप सभी की उपस्थिति भारत और श्रीलंका की हजारों साल पुरानी आध्यात्मिक धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है साथियों हम सभी जानते हैं कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म का संदेश सबसे पहले भारत से सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संगमित्रा लेकर गए थे माना जाता है कि आज के ही दिन अरहत महिंदा ने वापस आकर अपने पिता को बताया था कि श्रीलंका ने बुद्ध का संदेश कितनी ऊर्जा से अंगीकार किया है इस समाचार ने विश्वास बढ़ाया था कि बुद्ध का संदेश पूरे विश्व के लिए है बुद्ध का धर्म मानवता के लिए है इसलिए आज का ये दिन हम सभी देशों के सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों को नई ऊर्जा देने का भी दिन है मैं आप सभी को बधाई देता हूं कि आप आज भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल पर उनके सामने उपस्थित हैं मैं श्रीलंका और दूसरे सभी देशों से आए हमारे सम्मानित गणों का भी हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे जो अति पूजनीय महासंघ हमें आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हैं उन्हें भी मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं आपने हम सबको भगवान बुद्ध के अवशेष स्वरूप रैलिक्स का दर्शन का सौभाग्य दिया है यहां कृषि नगर के इस कार्यक्रम के बाद आप मेरे संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी जा रहे हैं आपकी पवित्र चरण रज वहां भी पड़ेगी वहां भी सौभाग्य लेकर आएगी साथियों मैं आज इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के सभी सदस्यों को भी बधाई देता हूं आप जिस तरह आधुनिक विश्व में भगवान बुद्ध के संदेश को विस्तार दे रहे हैं वह वाकई बहुत सराहनीय है आज इस अवसर पर मैं अपने पुरानी सहयोगी श्री शक्ति जी को भी याद कर रहा हूं इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के डीजी इसके तौर पर कार्य कर रहे शक्ति सिंहा जी का कुछ दिन पहले ही स्वर्गवास हुआ है भगवान बुद्ध में उनकी आस्था उनका समर्पण हम सबके लिए एक प्रेरणा है साथियों आप सभी जानते हैं आज एक और महत्वपूर्ण अवसर है भगवान बुद्ध के तुलसीता से वापस धरती पर आने का इसलिए आश्विन पूर्णिमा को आज हमारे भिक्षुगण अपने तीन महीने का वर्षावास भी पूरा करते हैं आज मुझे भी वर्षा वर्ष के उपरांत संघ भिक्षुओं को चीवर दान का सौभाग्य मिला है भगवान बुद्ध का ये बोध अद्भुत है जिसने ऐसी परंपराओं को जन्म दिया बरसात के महीनों में हमारी प्रकृति हमारे आसपास के पेड़ पौधे नया जीवन ले रहे होते हैं जीव मात्र के प्रति अहिंसा का संकल्प और पौधों में भी परमात्मा देखने का भाव बुद्ध का यह संदेश इतना जीवंत है कि आज भी हमारे भिक्षु उसे वैसे ही जी रहे हैं जो साधक हमेशा क्रियाशील रहते हैं सदैव गतिशील रहते हैं वो इन तीन महीनों में शहर जाते हैं ताकि कहीं कोई अंकुरित होता हुआ कोई बीज कुचल न जाए निखरती हुई प्रकृति में अवरोध न आ जाए ये वर्षावासन वर्षावास न केवल बाहर की प्रकृति को प्रस्फुटित करता है बल्कि हमारे अंदर की प्रकृतियों को भी संशोधित करने का अवसर देता है साथियों धम्म का निर्देश है यथापि रुचिरम पुपखम मर्म मंतम सुगंधकम एवं सुभाषितावाचा सफला होती कुब्बतों अर्थात अच्छी वाणी और अच्छे विचारों का अगर उतनी ही निष्ठा से आचरण किया जाए तो उसका परिणाम वैसा ही होता है जैसा सुगंध के साथ फूल क्योंकि बिना आचरण के अच्छी से अच्छी बात बिना सुगंध के फूल की तरह ही होती है दुनिया में जहां जहां भी बुद्ध के विचारों को सही मायने में आत्मसात किया गया है वहां कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी प्रगति के रास्ते बने हैं बुद्ध इसलिए ही वैश्विक है क्योंकि बुद्ध अपने भीतर से शुरुआत करने के लिए कहते हैं भगवान बुद्ध का बुद्धत्व है सेंस ऑफ अनलिमिटेड सेंस ऑफ अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्थात हमारे आसपास, हमारे ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है हम उसे खुद से जोड़कर देखते हैं उसकी जिम्मेदारी खुद लेते हैं जो घटित हो रहा है उसमें अगर हम अपना सकारात्मक प्रयास जोड़ेंगे तो हम सृजन को गति देंगे आज जब दुनिया पर्यावरण संरक्षण की बात करती है क्लाइमेट चेंज की चिंता जाहिर करती है तो उसके साथ अनेक सवाल उठ खड़े होते हैं लेकिन अगर हम बुद्ध के संदेश को अपना लेते हैं तो किसको करना है इसकी जगह क्या करना है इसका मार्ग अपने आप दिखने लगता है साथियों हजारों साल पहले भगवान बुद्ध जब इस धरती पर थे तो आज जैसी व्यवस्थाएं नहीं थी लेकिन फिर भी बुद्ध विश्व के करोड़ों करोड़ लोगों तक पहुंच गए उनके अंतर्मन से जुड़ गए मैंने अलग अलग देशों में बौद्ध धर्म से जुड़े मंदिरों विहारों में यह साक्षात अनुभव किया है मैंने देखा है कैंडी से क्योटो तक हेनोई से हमन टोटा तक भगवान बुद्ध अपने विचारों के जरिए मठों अवशेषों और संस्कृति के जरिए हर जगह है ये मेरा सौभाग्य है कि मैं कैंडी में श्री डलाड़ा महिला गोवा वहां दर्शन करने पहुंचा था सिंगापुर में उनके दंत अवशेष के मैंने दर्शन किए और क्योटो में किनका कुजी जाने का अवसर भी मुझे मिला इसी तरह साउथ ईस्ट कंट्रीज के भिक्षुओं का आशीर्वाद भी मुझे मिलता रहा है अलग अलग देश अलग अलग परिवेश लेकिन मानवता की आत्मा में बसे बुद्ध सबको जोड़ रहे हैं भारत ने भगवान बुद्ध की सीख को अपने विकास यात्रा का हिस्सा बनाया है उसे अंगीकार किया है हमने ज्ञान को महान संदेशों को महान आत्माओं के विचारों को बांधने में कभी भरोसा नहीं किया है उसको बांध के रखना यह हमारी सोच नहीं है हमने जो कुछ भी हमारा था उसे मानवता के लिए ममभाव से अर्पित किया है इसलिए अहिंसा दया करुणा ऐसे मानवीय मूल्य आज भी उतनी ही सहजता से भारत के अंतर्मन में रचे बसे हैं इसलिए बुद्ध आज भी भारत के संविधान की प्रेरणा है बुद्ध का धम्म चक्र भारत के तिरंगे पर विराजमान होकर हमें गति दे रहा है आज भी भारत की संसद में कोई जाता है तो इस मंत्र पर नजर जरूर पड़ती है धर्म चक्र प्रवर्तन आय साथियों तौर पर यह भी धारणा रहती है कि बौद्ध धर्म का प्रभाव भारत में मुख्य रूप से पूरब में ही ज्यादा रहा लेकिन इतिहास को बारीकी से देखें तो हम पाते हैं कि बुद्ध ने जितना पूर्व को प्रभावित किया है उतना ही पश्चिम और दक्षिण पर भी उनका प्रभाव है गुजरात का वडनगर जो मेरा जन्म स्थान भी है वो अतीत में बौद्ध धर्म से जुड़ा एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है अभी तक हम ह्यूनसांग के उद्धरणों के जरिए ही इस इतिहास को जानते थे लेकिन अब तो वडनगर में पुरातत्विक मठ और स्तीप भी एक्सकेवेशन में मिल चुके हैं गुजरात का ये अतीत इस बात का प्रमाण है कि बुद्ध दिशाओं और सीमाओं से परे थे गुजरात की धरती पर जन्मे महात्मा गांधी तो बुद्ध के सत्य और अहिंसा के संदेशों के आधुनिक संवाहक रहे हैं साथियों आज भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है इस अमृत महोत्सव में हम अपने भविष्य के लिए मानवता के भविष्य के लिए संकल्प ले रहे हैं हमारे इन अमृत संकल्पों के केंद्र में भगवान बुद्ध का वो संदेश है जो कहता है अपमादो अमत पदम पमादो मच्चुनो पदम अपमत्तान न मियंती ये पमता यथा मता यानी प्रमाद न करना अमृत पद है और प्रमाद ही मृत्यु है इसलिए आज भारत नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है पूरे विश्व को साथ लेकर आगे चल रहा है भगवान बुद्ध ने कहा था दीपो भव यानी अपने दीपक स्वयं बनो जब व्यक्ति स्वयं प्रकाशित होता है तभी वह संस्कार को भी प्रकाश देता है यही भारत के लिए आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा है यही वो प्रेरणा है जो हमें दुनिया के हर देश के प्रगति में सहभागी बनाने की ताकत देती है अपने इसी विचार को आज भारत सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान बुद्ध के इन विचारों पर चलते हुए हम हम सब एक साथ मिलकर मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेंगे इसी कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भवतु सब मंगलम नमो बुद्धाय